मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में अपनी सीट पर बैठा था और लगातार मेरा ध्यान विंडो सीट पर बैठी उस खूबसूरत कमसिन लड़की पर था जो शायद अकेली थी। ये लड़की कुछ अनकंफर्टेबल सी भी लग रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वो असहज होते हुए कई बार मेरी तरफ भी देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पूछना चाह रही हो। कई बार मन किया कि खुद से पूछ लूं कि क्या कोई हेल्प चाहिए आपको, लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले उस लड़की ने ही मुझसे पूछ लिया। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, जी मैं आप ही से बात कर रही हूँ। क्या आपके पास इस मोबाइल का सिम निकालने वाला पिन होगा प्लीज़। एक्चुअली मैंने देखा कि आपके पास बिल्कुल यही वाला मोबाइल है, तो मुझे लगा शायद आपके पास पिन होगा इसका। उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला, शायद उसमें वो नया सिम डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए एक पिन की ज़रूरत पड़ती है जो शायद उसके पास नहीं थी। सक पकाते हुए मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। देखिए ये बिल्कुल जो इस मोबाइल के साथ आती है वो पिन तो नहीं है, बट हाँ इससे शायद आपका मोबाइल का ये सिम स्लॉट खुल जाएगा। मैं जब ज़रूरत पड़ती है तो ये यूज़ करता हूँ, कोई भी पिन लग जाता है इसमें एक्चुअली। हाँ ट्राई कीजिए। लड़की ने थैंक्स कहते हुए वो पिन लिया, ट्राई किया, मोबाइल में से सिम निकाली उसने, नई सिम डाली और सिम डालकर थैंक्स कहते हुए मुझे पिन वापस लौटा दी। थोड़ी देर के बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी, मुझसे रहा नहीं गया और इस बार मैंने पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, कोई परेशानी? आप अब भी परेशान लग रही हैं। हाँ एक्चुअली देखिए ना, ये सिम स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने उसका मोबाइल मांगा। एक मिनट, मोबाइल दिखाएंगे आप? उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मोबाइल चेक किया और उसे बताया, एक्चुअली ये सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, कुछ समय लगता है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगी। ये लीजिए आपका मोबाइल। आईडी वेरिफिकेशन, बट क्यों? लड़की ने मोबाइल लेते हुए पूछा। मैंने उसे बताया, एक्चुअली आजकल सिम वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गया है, आपको नहीं पता, एक्चुअली सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिवेट होती है अब। जिस नाम से ये सिम ली गई है, कुछ नहीं, उसका डिटेल्स पूछा जाएगा, आप बता देना और जैसे ही वेरीफाई होगी ओके हो जाएगा सब, देन यू कैन यूज योर मोबाइल। ओह, लड़की बुदबुदाई, इतना परेशान मत होइए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, एक्चुअली इट विल टेक सम टाइम, ये प्रोसेस है, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं उसे लगातार नोटिस कर रहा था, वो कुछ परेशान सी थी, वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाती रही जैसे किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो, पसोपेश में हो। मैंने फिर बड़ी विनम्रता से पूछा, अब आपको कहीं कॉल तो नहीं करना है? अगर किसी को कॉल करना हो, अर्जेंट हो, तो यू कैन टेक माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ जी नहीं, नो नो नो, थैंक्स, अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है ये मुझे नहीं पता, लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। ओह अरे एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, अगर आपने नहीं लिए तो किसी ने तो आपके लिए ये सिम ली होगी ना, उसी के नाम का वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, डोंट वरी। कुछ समय रुकिए, मैंने उसे समझाया। ओके लेट्स सी, देखते हैं। जी वैसे आप जा कहाँ रही हैं? दिल्ली, दिल्ली जा रही हूँ मैं। और आप? लड़की ने मुझसे भी पूछा।
मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। एक्चुअली ऑफिस का काम था एक दिन का, तो बस एक दिन के लिए ही दिल्ली, कल वापस। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? नो, नहीं, अब दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मैं रहती हूँ, आई मीन मेरा घर भी नहीं है दिल्ली में। बस तो मैंने उत्सुकता से पूछा। उसको दिल्ली में कोई काम नहीं था, उसका दिल्ली में घर भी नहीं था, फिर उसने क्यों कहा कि वो भी दिल्ली जा रही है? एक्चुअली ना, एक्चुअली ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं बैठी हूँ। इससे पहले मैं एक और दूसरी ट्रेन में थी, राइट? अभी ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूँ अभी आपके सामने, हाँ। और दिल्ली से मुझे ना तीसरी ट्रेन पकड़नी है और फिर हमेशा हमेशा के लिए मैं आज़ाद। कहते हुए वो लड़की खिड़की में लगे कांच से बाहर झांकने की कोशिश करने लगी। अब आज़ाद? लेकिन किससे आज़ाद, आई मीन किस तरह की कैद से? मुझे जिज्ञासा हुई ये जानने की कि किस कैद में थी वो लड़की, वो कमसिंसी अलड़ सी लड़की, आखिर आज़ाद कहां से होना चाहती थी? उसी कैद से जिसमें यू नो हर लड़की होती है, जहां घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा कर लो। मैं आपको बताऊं, मैं ना घर से भाग चुकी हूं। लड़की के चेहरे पर यह कहते हुए भी इत्मीनान के भाव थे। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छिपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा तो अकेली भाग रही हैं आप? एक्चुअली आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूछा। नहीं, अकेली नहीं, साथ में है कोई, उसने बताया। मगर कौन? नजर तो कोई नहीं आ रहा मुझे, मैंने उसी के अंदाज में उससे पूछा। मैं ना दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर मुझे वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को भी नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? हाँ जी, ये प्यार का मामला है, कहते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। वेरी नाइस। तुम्हें पता है मैंने भी लव मैरिज की है, मैंने उसे बताया। ये बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी। वाह, अरे वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट लेने लगी, मेरी तरफ मुड़ के बैठ गई। मैंने कहा, कब, कहां, कैसे, ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, आई मीन मेरे पापा माँ भाई बहन, या हो सकता है कि भाई ना हो सिर्फ बहनें हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले मुस्टंडे बड़े भाई हो। ये कहते हुए वो पता नहीं जरूरत से ज्यादा होशियार बन रही थी या चंचल। अच्छा, मतलब ये हुआ कि मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? हाँ, मतलब कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना मीना रीना कुछ भी, यू नो। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में, और बोली कि विश मी, टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाई, उसे बधाई दी। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाय द वे, ये तो पूछ सकता हूँ कितने साल की हो गई हो आज? 18 की, स्वीट 18, यू नो। ओ मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी, हाँ, इसीलिए भाग रही हो। यस, यू गॉट इट, यस, वो हंस दी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि यू नो माय एज, मैं 35 साल का हूं, यानी अगर हिसाब लगाऊं तो तुमसे 17 साल बड़ा।
सच में लग तो नहीं रहे हो आप मुझसे 17 साल बड़े, उसने चुटकी लेते हुए कहा और मैं मुस्कुरा दिया। ओके, तुम घर से भाग कर आई हो, फाइन, जैसा कि अभी तुमने खुद बताया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। बड़ी बेफिक्र हो तुम, बहुत यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ। मैंने उससे पूछा। खुद के कॉन्फिडेंस की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली, यस आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए मुझे ना उन जनाब ने, मतलब मेरे लवर ने, मेरे वुड बी ने, यू कैन से, पहले से ही समझा दिया था कि भाई देखो, जब तुम घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, डरना नहीं किसी से, घर वालों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना वरना कमजोर पड़ जाओगी, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। एंड यू सी, मैं वही कर रही हूं, इसीलिए वो आपने क्या बोला, चिंता की सॉर्ट ऑफ लकीरें, वो मेरे चेहरे पर नहीं है। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई आई एम इन लव, यू सी। और तुम्हारे उन जनाब ने, आई मीन लवर ने, यू कैन से वुड बी ने, मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी तुम्हें? नहीं, नो, शायद भूल गया होगा वो बताना। हाँ, अच्छा, वैसे आई मस्ट से, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड यानी वुड बी है काफी टैलेंटेड। उसने देखो किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम दी, नया मोबाइल दिया, 3-3 ट्रेनें बदलवाई तुमसे ताकि कोई तुम्हें ट्रैक ना कर सके। हाँ, वेरी टैलेंटेड पर्सन आई मस्ट से। मैंने उसके प्रेमी की भी तारीफ कर दी। या यू आर राइट, सच में बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा ना पता है पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आई एम इन लव, यू नो, लड़की ने चुलबुलेपन से हामी भरी। बाय द वे, मेरी शादी को 1, 2, 3, 4 10 साल 10 ईयर्स हो गए। एक बेटी है मेरी 8 साल की और दूसरी 4 साल की। ये देखो मोबाइल में, ये उनकी पिक्चर्स हैं। वाओ, सो क्यूट, कितनी प्यारी है आपकी बेटियां, ओ वाओ, कितनी प्यारी। मेरे फोन पर मेरी बेटियों की तस्वीर देखकर वो उछल पड़ी, उसे मेरी बेटियों पर प्यार आ रहा था। जानती हो, ये बड़ी वाली, ये ना, ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी भी थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने कस्बे वापस लौट आया और यहीं पर काम करने लगा। मैंने उसे बताया, उसने अचानक चौंक के पूछा, जॉब छोड़ दी, बट वाई, क्यों? एक्चुअली बच्ची को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर, 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा नहीं पाया। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे और उधर मैं पूरी दुनिया कमा भी लूं, तब भी घाटे का सौदा है ना, मतलब ऐसा मुझे लगा। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। तू क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? ले जा सकते होंगे वहां पर, आई मीन कुवैत, उसने पूछा। ले जा सकते थे, काफी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद ले जा सकते थे, अपने साथ रख भी सकते थे, लेकिन उस वक्त ही मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या फिर मेरा परिवार, मेरी ये छोटी सी प्यारी सी बेटी। मैंने परिवार को चुना, अपनी इस बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। वेरी इंप्रेसिव आई मस्ट से, व्हाट अ प्राउड फादर यू आर।
लड़की ने मुझे फक्र का एहसास कराया। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। अच्छा, अब आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए थे? कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त, बताइए ना, शायद मुझे हेल्प मिलेगी, लड़की ने पूछा। उसके हर सवाल और हर बात में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये लड़की लड़कपन के अपने शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन के जैसी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी बताया कि उसके पापा ने मुझे पहली ही नजर में सख्ती के साथ रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था? डोंट टेल मी, ओ माय गॉड, बट क्यों, व्हाई? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। अब रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। मेरी कास्ट, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा परिवार, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई अंकल को मेरी शक्ल पसंद ना हो। कुछ भी कारण हो सकता है। ये बात तो ठीक है, आई नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, फिर आपने क्या किया? अच्छा, उनके पापा तो राजी नहीं थे, तो फिर आपकी शादी कैसे हुई? उन्हीं से हुई ना, कैसे हुई? हाँ हाँ, उसी से हुई जिससे मैं प्यार करता था। हाँ, बट मैंने कुछ ऐसा खास किया नहीं, उसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया, तो वहीं से मैंने अपना मन बदलना शुरू करने की कोशिश की, जो कि बहुत मुश्किल काम था, बट मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू किया। खुशबू ने मुझसे कहा कि चलो भाग चलते हैं। मैंने मना कर दिया, बट क्यों, अब भागे क्यों नहीं? अरे सुनो तो सही, वो दो दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं ना, और मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया। क्या समझाया? देखो, भागने वाले जोड़े जो होते हैं ना, उसमें लड़के की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, जबकि लड़की जो है उसके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा मेरा मानना है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है ना, लेकिन जो लड़की अपने प्रेमी के साथ भागी होती है, वो जानती हो क्या बनती है? चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के संबोधन डिक्शनरी में से ढूंढ ढूंढ कर लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की 60 साल की भी हो जाएगी ना, तब भी जवानी में किसी लड़के के साथ भागने का कलंक उसके माथे पर से ये समाज मिटने नहीं देता। मैं मानता हूं, आई बिलीव, लड़का लड़की को तोलने का ये मापदंड दोहरा है, गलत है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दकियानोसी सोच है, लेकिन क्या करें, हमारे समाज में यही है, यही चलता है, ऐसे ही सोचने वाले लोग हैं। ये नजरिया गलत है, आई नो, मगर सामाजिक नजरिया तो यही है, एक्सेप्टेबल लार्जली, यू नो। समय लगेगा इसे बदलने में, और बहुत समय लगेगा। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ये कभी बदल पाएगा या नहीं, यू नो। वो मेरी बात सुनकर अपने नीचे वाला होंठ दांतों के तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें पता है, अगर मैं उसका कहा मान लेता, चलो एक बार को मान भी लेता, और मैं उससे लेके भाग जाता, जो कि मैं कर सकता था, बट मैं ये जानता हूं कि अगर मैं ऐसा करता तो फिर उसकी मां तो शायद कई दिन तक पानी भी ना पीती। इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा काम करूं। और मैं जिससे प्रेम करता था, उसके माँ बाप भी तो मेरे ही माँ बाप के समान थे। चाहे शादी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सम्मान तो नहीं बदल जाएगा ना, बताओ। रेस्पेक्ट कैसे चेंज हो जाएगी? जैसे मेरे माँ बाप, ऐसे उसके माँ बाप। कुछ पल के लिए वो किसी सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में वो और ज्यादा जानना चाहती थी। हाँ, यू आर राइट। अब अच्छा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? इंटरेस्टिंग। उसके बाद खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई। क्या, उनकी सगाई भी हो गई? यू मीन एंगेजमेंट कहीं और हो गई? हाँ, उसकी सगाई कहीं और हो गई, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर,
लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी उन लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी थी। डिमांड मतलब, लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है शादी में, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार दो, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले भाई हमारे यहां तो यही रीत है। और जानती हो लड़का भी इसी रीत की अदायगी का पक्षधर निकला। आई मीन वो भी कहने लगा कि हाँ हमारे परिवार में तो ये सब चलता है। वो सगाई मैंने तुड़वा दी, हाँ इसलिए नहीं कि फिर मेरी शादी खुशबू से हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना ही उसका परिवार। मैं जानता था ना उसे। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आया, और फिर बस ऐसा कुछ होता चला गया कि मेरी और खुशबू की शादी हो गई। आई मीन मैं मानता हूं कि ये सब किस्मत की बात थी। आई वॉज लकी। मैंने शॉर्ट में उसे सब कुछ बता दिया। ओह थैंक गॉड, चलो अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए, वरना ना वो गलत हाथों में फंस जाती। आई बिलीव, अच्छा हुआ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ अच्छा तो हुआ। देखो ये जरूरी नहीं है कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और साइमल्टेनियसली ये भी जरूरी नहीं है कि दो प्रेम करने वालों का अपना फैसला सही हो, उनकी पसंद सही हो। आई मीन दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। बट काम की बात जानती हो क्या है, काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है, ट्रस्टवर्दी है, और किसके लिए। मैं बात समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने फिर पानी का घूंट पिया और मैंने भी। लड़की शून्य में देख रही थी और वहीं देखते हुए उसने तर्क दिया। सही कह रहे हैं आप, हमारा फैसला सही हो गलत हो, हाँ कोई बात नहीं है, बट मम्मी पापा को बुरा नहीं लगना चाहिए। आई मीन क्या बोलते हैं वो हिंदी में, ग्लानी, हाँ यही है ना, हाँ ग्लानी नहीं होनी चाहिए, सॉर्ट ऑफ ग्लानी नहीं होनी चाहिए। यस सही कह रहे हैं आप। मैंने उसकी ही बात आगे बढ़ाई। हाँ ग्लानी यू आर राइट। देखो फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, आई मीन बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति होनी चाहिए, वो सबसे सही होता है। आई एम टेलिंग यू सबसे सही। देखो बुरा मत मानना, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मामले में बोल सकता हूँ ना, ऑफ कोर्स प्लीज बोलिए ना। हाँ तो ये जो तुम्हारा फैसला है वो तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, इसीलिए वो सिर्फ तुम दोनों का फैसला है, ना ही तुम्हें आई बिलीव इश्क का असली मतलब भी पता होगा अभी। आई डाउट, शायद नहीं पता। अच्छा क्या है इश्क का सही मतलब, आप ही बता दीजिए फिर। उसने हैरानी से आंखें बड़ी करके मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये सच्चा इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा जो प्यारा सा दिमाग है ना, ये दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने, वो तुम्हारे लवर वुड बी, तो उन्होंने तुम्हारे दिमाग में इश्क को भरा। लेकिन टेल मी, क्या वो इश्क में नहीं है? आई मीन तुम जिसके साथ भाग रही हो, जा रही हो, आई मीन जिसके साथ इश्क में जा रही हो, वो इश्क में नहीं है? बताओ। मैं बताता हूं, मुझे लगता है कि वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी में है, हीरोगिरी में है। तुम्हें पता है जो इश्क में होता है ना, वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता,
तीन तीन ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे कि मैं आशिक हूं और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। अब तुम ये कह सकती हो कि ये मेरा अपना बिलीव हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं, तो हां मैं ऐसा मानता हूं कि ये नामुमकिन है कि कोई आशिक भी हो और शातिर भी हो। बाकी भाई जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब आज या कल में वैल्यूज बदल गई हो तो कह नहीं सकता। मजनू, मजनू का नाम सुना है तुमने? मजनू का, उसने जी कहकर हां में सिर हिला दिया। सुना है मजनू दलौआ? आई नो। मजनू ना इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसको, सुना होगा। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है जबकि उसका असली नाम कुछ और था। पता है तुम्हें मजनू का असली नाम क्या था? मजनू का असली नाम मजनू नहीं था, कुछ और नाम भी था क्या? मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है कि मजनू ही नाम होगा। नहीं, कैस, कैस था मजनू का असली नाम जो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। वो शातिर होता तो कैस से मजनू नहीं बन पाता। मजनू की तरह ही फरहाद भी सच्चा प्रेमी था। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली और बाद में उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाया, चालाकी नहीं की, बस इश्क किया, बस इश्क किया, प्रेम किया। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का, माइंड इट, खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, तुमने जो समर्पण किया वो हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। मैं बोलता जा रहा था और लड़की कहीं खोती जा रही थी। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में तब्दील हो गया था। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, सच्चा प्यार, ट्रू लव, पता है कौन करता है? पूछो, बताइए ना, कौन करता है, कौन करता है बताइए। सच्चा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, देख लेना। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी चिंता में आधे हो जाएंगे, वजन घट के आधा रह जाएगा उनका। मां है ना तुम्हारी? है। हाँ, तो तुम्हारी मां कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी और शायद पानी भी ना पिए। तुम्हें अपने लवर को आजमा कर देखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें उसे टेस्ट करना चाहिए था, शायद तुम देख पाती कि ना तो उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता ना दिमाग पर। वो अकलमंद है, हाँ आई नो, वो अकलमंद है, अपने लिए कुछ अच्छा सोच लेता। आजकल ये गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाड़े को जो इश्क हो जाता है ना, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी कह सकती हो, डेयरिंग कह सकती हो, अलग कुछ करने का फितूर कह सकती हो, दोस्तों में हीरो बनने की होड़ कह सकती हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। अब मेरी बातें सुनकर लड़की के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था, ऐसा लग रहा था वो अब यहां नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन अब भी उसकी तरफ ही था। उसे जब कुछ देर पहले विंडो सीट पर परेशान देखा था, वो तब भी परेशान थी और वो अब भी परेशान थी, लेकिन दोनों परेशानियों में बहुत फर्क नजर आ रहा था मुझे। फिर कुछ देर तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की, कुछ देर माने कुछ घंटे।
वो अपने साथ लाई किताब में कुछ पढ़ने की कोशिश करती थी और कभी कभी अपने मोबाइल पर नजर डाल लेती थी, जिसमें उसने जो सिम डाला था वो शायद अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया, दिल्ली। बात कहां से निकली थी और कहां पहुंच गई। उसके मोबाइल पर अचानक एक मैसेज टोन बजा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी शायद। हम दोनों ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर आ चुके थे। मैं उतरकर उसे नोटिस कर रहा था। वो कुछ कहेगी क्या, या फिर वो कहां जाएगी? मन था उसके पीछे पीछे जाने का, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन मैं बस चुपचाप उसे खड़ा देखता रहा। उसने अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और फाड़कर पटरियों पर फेंक दिया। मैं लगातार उसे ये सब करते देख रहा था। वो अचानक मेरी तरफ पलटी, मैं सकपका गया। उसने नोटिस कर लिया कि मैं उसे लगातार देख रहा हूं। वो मेरी तरफ आई और कपकपाती आवाज में बोली, आप शायद किसी का वेट कर रहे होंगे, एक्सक्यूज मी, एक लास्ट हेल्प करेंगे मेरी? हाँ 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 हाँ, बोलिए ना प्लीज। अब एक कॉल करना है मुझे, मेरे 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 मोबाइल में वेरिफिकेशन का मैसेज तो आया है, बट मैं अभी इससे कॉल नहीं कर सकती। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए प्लीज़ आप अपना मोबाइल दे सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ प्लीज़, अब आप करिए ना, मैंने तो तब भी बोला था आपसे, ये लीजिए। मैंने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने एक नंबर डायल किया और मेरी तरफ से पीट करके खड़ी हो गई। पापा, मैं ठीक हूं पापा। I want to say I'm sorry। फिर मुझसे दूर जाते हुए सिसक सिसक कर उसने अपने पापा से आगे क्या क्या बात की मैं सुन नहीं पाया। बात खत्म करके जब वो मेरा मोबाइल वापस करने मेरे पास लौटी तो आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें आत्मविश्वास भरी राहत के साथ एक बहुत बड़ा धन्यवाद भी था। आई नो, मैं रोती हुई बहुत बुरी लगती हूँ। अच्छा, अब वो सिम निकालने वाला पिन एक बार फिर देंगे प्लीज, लास्ट हेल्प। ओ श्योर, व्हाई नॉट। मैंने बैग से पिन निकालकर उसे दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाला और उसे भी वहीं पटरियों पर फेंक दिया और पिन मुझे वापस कर दी।